हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जेकब और आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग ऑफ द BMX PX 7000, जो ब्राजो का नया एंड्रॉइड प्लेयर है जिसके साथ आपको एप्पल कारप्ले भी मिलता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हो, हमेशा की तरह ब्राजो का पैकेजिंग और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एकदम प्रीमियम वाला है। इसको बाजू में रखते हैं और सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको ब्राजो का वारंटी कार्ड मिल जाता है। ब्राजो आपको 12 मंथ्स यानी कि एक साल की वारंटी देता है। और ध्यान में रखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ ऑफलाइन खरीद सकते हो। दैट मीन्स यू कैन गो इन टू अ स्टोर एंड बाय इट, आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हो। सबसे पहले आपको ऊपर में देखने को मिलेगा ये अपना 9 इंच का जो स्टीरियो है। ये डिस्प्ले के पहले अपन बाजू में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नीचे एक एक्सेसरीज से भरा हुआ बॉक्स है, जो यूजुअली आपके जो केबल्स मिल जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे आप देखते हैं कि एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। यूजुअली एंड्रॉइड प्लेयर्स के साथ कोई भी कंपनी आपको यूजर मैनुअल नहीं देता, लेकिन ब्राजो यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल दे रहा है, जिसके यूज से आप इंटरफेस के बारे में समझ सकते हो। अगर आपके कोई ट्रबल शूटिंग क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हो। सो मुझे लगता है कि हर जो भी एंड्रॉयड प्लेयर्स बेचने वाले कंपनी से, उनको एक यूजर मैनुअल कंपल्सरी बॉक्स में डाल के दे देना चाहिए। इट मेक्स लाइफ अ लिटिल मोर ईजियर। नेक्स्ट हमें यहाँ पे माइक्रोफोन देखने मिल जाता है। यह एक स्टैंडर्ड माइक्रोफोन है, विच रियली वर्क्स वेल। एक्सेसरीज के पैकेज में आपको देखने मिल जाता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा केबल्स है, बेसिकली जो भी आपके RCA पोर्ट से वे क्लब करके बंडल करके मिल जाता है। यू ऑल्सो गेट अ USB ड्राइव, दैट मीन्स यू कैन कनेक्ट योर USB वरना एक्सटर्नल ड्राइव, आपका जो भी एक्सटर्नल म्यूजिक सोर्स है आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हर एक कॉर्ड पे एक कलर कोडेड है और उसके लिए एक लेबल भी दिया गया हुआ है। अगर आपका कोई पुराना प्लेयर है या पुराना म्यूजिक सिस्टम है जिसपे आपको RCA पोर्ट्स नहीं यूज करना है, तो आप वो हाई लेवल इनपुट भी यूज कर सकते हो। GPS मॉड्यूल आपको मिल जाता है, डायरेक्ट AV आउट और AV इन लेने का भी ऑप्शन इसमें है। दैट मीन्स आप दो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं प्लेयर की तरफ। जैसा मैंने आपको कहा है, ये 9 इंचेस का मॉडल है। सो प्लेयर आपको बोथ 9 इंचेस और 10 इंचेस स्क्रीन में मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस सेम ही रहेगा, बस प्राइस का 19 पीस का फर्क होगा। सो ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल डिजाइन है, दैट मीन्स आप कौन से भी गाड़ी में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी पोर्ट्स है दिए गए हुए सब हाई क्वालिटी पोर्ट्स है और इवनली कट आउट है। दैट मीन्स आपको सॉकेट लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हीट वेंट्स भी एम्पल दिए गए हुए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड प्लेयर्स AC यूनिट के ऊपर ही बैठते हैं, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रंट में आपके नेविगेशन और बैक टिल्ट कीज भी इवनली मिल जाते हैं, मल्टी कलर्स होते हैं। दिस आर कस्टमाइजेबल एज वेल। यहाँ पे आपको फ्यूज भी देखने मिल जाता है 10 amps का और बिल्ड क्वालिटी एकदम सॉलिड है हमेशा की तरह। चलिए थोड़ी और बात कर लेते हैं यूजर मैनुअल की तरफ। अगर आप पहली बार ही आप खुद से इंस्टॉल करना चाहते हो, सो ब्राजो हैज टेकन केयर। आपको जो भी सॉकेट्स कलर कोडेड के साथ कहाँ पे उसका फीचर क्या है, उसका यूज क्या है, मेंशन किया हुआ है। यूजर इंटरफेस को सेटअप पहली बार कैसे करते हैं, ब्लूटूथ कैसा यूज करते हैं, बेसिकली जो पहली बार एंड्रॉइड स्टीरियो के यूजर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर वो एक बार ये मैनुअल पढ़ लें। अगर कोई प्लेयर में यूज करते टाइम में दिक्कत आती है, तो आपको लास्ट पेज के टाइप पे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स भी है। सो एक्सीलेंट वर्क अगेन। तो चलिए डिटेल में थोड़ी और स्पेसिफिकेशंस बात कर ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है और इस पे आपको 2GB रैम और 32GB रोम का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। ये एक एंड्रॉइड प्लेयर है जो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो एंड्रॉइड ऑटो को भी सपोर्ट करता है। पिछले मॉडल में नहीं था, लेकिन ये मॉडल में आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्रू IPS हाई क्वालिटी डिस्प्ले मिल रहा है आपको, ब्लूटूथ 5.0 विद पिक्चर इन पिक्चर इफेक्ट। दैट मीन्स आप एक टाइम में दो एप्स यूज कर सकते हो। इसके अंदर DSP चिप और DSP प्रोसेसिंग मिल जाता है विद अ हाई बैंड इक्वलाइजर, यानी कि ऑडियो फाइल लेवल साउंड आपको देखने को मिल रहा है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। और यहाँ पे आप 60 वॉट्स का आउटपुट मिल जाता है। बिना एम्पलीफायर के आप 4 स्पीकर ड्राइव कर सकते हो और हर एक जो भी ऑडियो फॉर्मेट से वो आराम से प्ले हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल विद दैट। और जैसे मैंने आपको कहा था, ये एक ऑफलाइन ओनली प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ऑनलाइन कहीं खरीदते हो, उसका वारंटी वॉइड हो जाता है, दैट मीन्स उसका वारंटी वैलिड नहीं होता। ध्यान रखिए, सिर्फ ऑफलाइन इसका खरीदना है।
इसका बॉक्स प्राइस है 27,990 रुपीस। लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए कॉन्टैक्ट नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऑफलाइन में आपको अपडेटेड प्राइसेस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जेक ड्राइव कार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।